ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी, प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको बताएंगे महा नवंबर यानी नवंबर का महीना 2022 का मासिक फलादेश, क्या ग्रहों की स्थिति रहेगी और क्या शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होंगे। यहाँ जानकारी देंगे आपको क्रम से आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका धन परिवार, फैमिली, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, छोटी मोटी यात्रा, ट्रैवलिंग, आपका पराक्रम, आपका साहस, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, आपका संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, आपकी नौकरी, तरक्की, उन्नति, कर्जे की बीमारी की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, बिजनेस पार्टनरशिप, विदेश यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, तरक्की, उन्नति, करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है, प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी अपनी नीच तुला राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। और मंगल की जो स्थिति है, अभी मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 30 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे और उसके बाद 13 नवंबर को पुनः वक्री होकर वापस वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो यह मंगल की स्थिति रहेगी। बुध आपके तुला राशि में संचार कर रहे हैं, 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु आपके मीन राशि में वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं, लेकिन 23 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे अपनी मीन राशि में, स्वग्रही राशि में। शुक्र आपके अपने स्वग्रही तुला राशि में मालव्य नाम का योग बनाकर चल रहे हैं, लेकिन 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शनि मार्गी होकर मकर राशि में संचार कर रहे हैं, राहु आपके वक्री अवस्था में मेष राशि में और केतु आपके वक्री अवस्था में तुला राशि में। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर महा नवंबर यानी नवंबर का महीना 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों का शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से कर्क राशि वाले जातक, स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर थोड़ा मिश्रित फल मिलेंगे। शारीरिक मानसिक संतुलन कभी आपका ठीक हो जाएगा, कभी थोड़ा गड़बड़ाएगा। कार्य करने की शैली कभी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, कभी थोड़ी वीक हो जाएगी, तभी कन्फ्यूजन असमंजस की स्थिति बनेगी। लेकिन थोड़ा हेल्थ के प्रति भी थोड़ी सावधानी बरतें, ओवरऑल स्थिति आपके अनुकूल आपके पक्ष में। फैमिली फाइनेंस को लेकर थोड़ी स्थिति थोड़ी डिस्टर्ब है, कोई लड़ाई झगड़ा, मतभेद, डिफरेंसेस परिवार के बीच में, कोई पैतृक संपत्ति को लेकर नुकसान, कोई वाद विवाद। भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं मत कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। परिवार वालों के पीछे कोई पैसे का वेस्ट एक्सपेंडिचर हो सकता है। अगर आपके परिवार के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, तो मित्रों मेरी आपको एक सलाह है, आप वहां पर बिल्कुल वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, धैर्य और संयम का परिचय दें, नहीं तो आपकी स्थिति खराब हो सकती है, आपका नाम खराब हो सकता है, परिवार के बीच में आपकी इंपॉर्टेंस खराब हो सकती है। थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत सोच समझ कर वार्तालाप कीजिए, वाणी के ऊपर कंट्रोल कीजिए, चुप रहें, मौन रहें या बहुत सोच समझ कर धैर्यपूर्वक बात करें। समय समय पर थोड़ी सी निगेटिविटी, नकारात्मक सोच, लेकिन वह नकारात्मक सोच कुछ टाइम के बाद सकारात्मक सोच में बदल जाएगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, सावधानी बरते हैं, नए कम्युनिकेशन स्थापित हो सकते हैं, लाभ गेन करेंगे, छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, सहकर्मी जो नीचे कर रहे थे, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, यहाँ स्थिति ठीक है, नए संबंध बनेंगे, अच्छी स्थिति है, आपके फेवर में रहेगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की दृष्टि से जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। देखिएगा यहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर 11 तारीख तक तो मालव्य नाम का योग शुक्र वहाँ पर बना रहे हैं और यहाँ पर सूर्य नीच के हैं और केतु भी संचार कर रहे हैं, ग्रहण दोष बना। साथ में अब आप बोलेंगे कि यहाँ बुधादित्य योग भी बन रहा है, लेकिन ये बुधादित्य योग आपको बहुत लाभ नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी मार्गरेश है और जो आपके बुध हैं वह आपके तृतीयेश भी हैं और 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं, द्वादेश भी हैं। तो यहाँ बुध आदित्य योग का जो फल है बिल्कुल नगण्य रहेगा, बिल्कुल शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। साथ में सूर्य के साथ केतु ग्रहण दोष और बुध भी आपके 12th हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, केंद्र में चले गए, ये अच्छी स्थिति है। तो 13 तारीख तक तो कोई भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिसीजन आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन 13 तारीख के बाद स्थिति आपके अनुकूल नहीं बनेगी, आपके पक्ष में नहीं बनेगी, थोड़ी स्थिति खराब हो सकती है। बाद में भी अगर कोई निर्णय आपको लेना है, कोई जरूरी बनता है, कोई संपत्ति प्रॉपर्टी की डील करना, कोई मकान में प्रवेश करना, वाहन घर में लाना, तो धैर्यपूर्वक सोच समझ कर संयम पूर्वक आप कोई निर्णय लें,
घर में समय समय पर अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, अपनी माता जी की हेल्थ का ध्यान दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, थोड़ा मेंटल पीस में कमी आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यही स्थिति वहाँ पर बन रही है, विद्यार्थी वर्ग के लिए जो स्थिति बनेगी, थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, चिड़चिड़ापन स्वभाव में असमंजस, कन्फ्यूजन की स्थिति, डिग्री मास्टर डिग्री लेनी है प्रयास रहते हैं तो उसमें थोड़ा असमंजस कन्फ्यूजन्स रहेंगे, थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे, एकाग्रता के भाव में कमी आएगी। लेकिन आप एकाग्र होकर अपना प्रयास कीजिए, अपनी पढ़ाई आप ध्यान लगाकर करते रहिए, क्योंकि यह ग्रह स्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद जब ये परिवर्तन करेंगे तो आज जो आप प्रयास करेंगे, जो आप पढ़ाई करेंगे एकाग्र होकर, कल निश्चित रूप से आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। संतान पक्ष को लेकर चिंता, टेंशन, संतुष्टि के भाव में कमी, कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है संतान की तरफ से, आपकी संतान के विवाह शादी के संबंध खराब हो सकते हैं, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनका कोई पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम, या उनसे कोई मतभेद डिफरेंसेस, संतान के सहयोग में कमी, थोड़ी चिंता संतान पक्ष को लेकर, यहाँ थोड़ा संतान पक्ष को लेकर संतुष्टि के भाव में थोड़ी कमी रह सकती है, सेटिस्फेक्शन में थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, जितना प्रयास करेंगे उतनी सफलता आपको मिलेगी, नई नौकरी लगने के भी योग बन सकते हैं, शत्रुओं से, कर्जे से और बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको राहत मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, पति पत्नी का एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, नए विवाह शादी के संबंध स्थापित हो सकते हैं, प्रेम संबंध पहले से चल रहे हैं विवाह शादी में बदल सकते हैं, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, कोई व्यवधान, कोई रुकावटें आ रही थी दूर होंगी, थोड़ा प्रयास कीजिए सफलता मिलेगी, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा, धार्मिक स्थान की यात्राएं हो सकती है, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त होगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, भाग्य पूरा सपोर्ट कर रहा है, पूरा साथ दे रहा है, आध्यात्मिकता का भाव जागेगा, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा और विदेशों की लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ गेन करेंगे। करियर व्यवसाय में थोड़े यहाँ पर थोड़ा बदलाव की स्थिति थोड़ी बन रही है, लेकिन 13 तारीख तक तो स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन 13 तारीख को वापस जब वक्री होकर यहाँ पर मंगल आ जाएंगे तो करियर व्यवसाय में कोई चेंजेस, कोई बिजनेस में, नौकरी में कोई चेंजेस, परिवर्तन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जितना प्रयास करेंगे उतनी सफलता मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी और आप यहाँ पर लाभ गेन करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, 13 तारीख के बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी, कोई रुकावटें आ रही थी जहाँ से आपका धन का आगमन होता है, पैसे आते हैं, आय के स्रोत आपके बने हुए, कोई रुकावटें, कोई व्यवधान आ रहे थे दूर होंगे, सुचारू रूप से धन का आगमन स्टार्ट हो जाएगा, बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी, आपके बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, खासतौर से जो एज में आपसे बड़े हैं, पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग, स्त्री हैं तो पुरुष वर्ग से भी आप यहाँ पर लाभ गेन कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से तो स्थिति आपके फेवर में रहेगी, आप जो जातक विदेशों में उनके लिए तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आपका विदेशों से संबंध है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का या कोई अन्य कार्य करते हैं, विदेशों में आना जाना रहता है, नए संबंध, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा, स्थिति अच्छी है, कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, आपके पक्ष में रहेगी स्थिति। ओवरऑल मित्रों या फिलहाल चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपकी कर्क राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके काफ़ी शुभ चल रही है, आपके अनुकूल चल रही है, आपके पक्ष में चल रही है, तो संभवतः दुष्प्रभाव में कमी आएगी और यह माह आपके लिए तरक्कीदायक, उन्नतिदायक, लाभदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल नहीं है, पक्ष में नहीं है, तब संभवतः थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आपके सामने खड़ी हो सकती है। उपाय के तौर पर आप क्या कीजिए, सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए, प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें, मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं और साथ में काली चींटियों को पीसी हुई शुगर प्रतिदिन खिलाएं और पक्षियों को 7 तरह का अनाज आप प्रतिदिन खिलाएं, तो यह कार्य अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ कंटिन्यूटी में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।